हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फाई साई पर। यहाँ पे मैं एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पार्टिकल एक्सेलेटर्स। ठीक है, जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक्सेलेट करवाते हैं किसी डिवाइस से, और उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं पार्टिकल एक्सेलेटर। ठीक है जी। अब देखिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि पार्टिकल एक्सेलेटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है जी। और किस किस टाइप के पार्टिकल एक्सेलेटर जो हैं वो हमारे पास जो जो अक्सर यूज़ होते हैं वो वाले। ठीक है। देखिए, पार्टिकल एक्सेलेटर्स, पहले देखें हम पार्टिकल एक्सेलेटर एक्चुअली किसको कहते हैं। ठीक है, दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एक्सेलरेट एक्सेलेट का एक मतलब ये भी है कि हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज आइंस और इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलेटर ऐसे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जिससे हम किसी पार्टिकल को एक्सेलेट करा सकते हैं। एक्सेलेट कराने का मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना। ठीक है। ऐसे डिवाइसेस कहते हैं पार्टिकल एक्सेलेटर। बड़े तरह से डिवाइसेस हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहली बात, जो पार्टिकल एक्सेलेटर कराते हैं हम, वी कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स बाय टू वेज। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये आ गया कि अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब या तो हम सकते हो सकता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, दी चार्ज पार्टिकल इफ पॉजिटिव, विल एक्सेलरेट इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करेगा। कौन से फार्मूले से? एफ इज इक्वल टू क्यू ई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियसली। एक तो ये फिनोमिना हम यूज़ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर हम किसी चार्ज पार्टिकल को की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ये सॉरी, यहाँ पे फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलेशन, और एक्सेलेशन हो जाएगी हमारे पास क्यू ई बाय एम, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा के कह सकते हैं दी चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस और रेडियल फोर्स। इसमें रेडियल फोर्स लगती है, वो किसके बराबर होती है? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होती है ये रेडियल फोर्स।
अब इस फोर्स से तो हमारा जिसको कहते हैं इस फोर्स से ये रेडियल फोर्स है, और रेडियल फोर्स जो है इट डू नॉट चेंज दी वेलोसिटी। इस फोर्स से वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक जो फोर्सेस होती हैं वो कोई काम नहीं करती, दे डू नॉट वर्क। तो वो एक्सलेट, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो अब हम सोचेंगे कि भैया अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो फिर एक्सेलेट कैसे कराएंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करेंगे, वो तो एक ही जगह घूमता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्योंकि जब वो सर्कल में घूमता है तो सर्कल में घूमने के साथ साथ अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखें साथ में, तो वो ज़्यादा अच्छी हाई एक्सेलेट कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, खाली मैग्नेटिक फील्ड से हमारा काम नहीं बनता, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना पड़ता है, जैसा कि साइक्लोट्रॉन में हम पढ़ेंगे आगे। ओके, अब ये दो तरीके हैं जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेट करा सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल जो है वो हो सकता है कि हमारे पास वो चार्ज पार्टिकल ना हो, तो चार्ज पार्टिकल नहीं हो तो हम उसको थर्मल एनर्जी दे सकते हैं, और थर्मल एनर्जी इन सबको भी दे सकते हैं, जो चार्ज पार्टिकल हो चाहे अनचार्ज पार्टिकल हो, थर्मल एनर्जी से तो हम उनको एक्सेलेट करा ही सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास एक और चीज़, ये यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बट ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल्स कैन एक्सेलरेट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हम तब हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास दो मेथड आ गए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको हम चेंज करें तो उससे भी एक्सेलरेट हो सकता है। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटर्स, दो तरह के एक्सेलेटर्स मेनली होते हैं हमारे पास। एक आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर से हमें साफ पता चल रहा है कि ये ऐसा एक्सेलेटर होगा जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलेट करा सकते हैं किसी भी मेथड से, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, या फिर हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करें, इन सब से को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट करवा सकते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर्स हैं, जैसे हमारे पास बीटा ट्रॉन है, बीटा सिंक्रोट्रॉन है, ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है लीनियर एक्सेलेटर है एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो एक्सेलेटर हैं इनसे, इनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट कराने में। सेकंड सेकंड आ गया हमारे पास जिसमें हम पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट कराते हैं, तो इनको कहते हैं पॉजिटिव आयन एक्सेलरेटर। अब पॉजिटिव आयन इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जब प्रोटॉन होंगे उनको हम एक्सेलेट करा सकते हैं, किसमें, पॉजिटिव आयन एक्सेलेटर में। अब इसमें हमारे पास, इसमें भी बड़े सारे हैं हमारे पास, जैसे वेंडी ग्राफ जनरेटर है, ये आप लोगों ने पहले प्लस वन प्लस टू में पढ़ा हुआ है, फिर कॉकक्रॉफ्ट वॉल्टन एक्सेलरेटर है, फिर साइक्लोट्रॉन है, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है, ठीक है, और एक जैसे हमारे पास हैवी आयन जिसको लीनियर एक्सेलेटर कर कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे ये एक्सेलेटर हैं, इन सबको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास एक्सेलेटर की जो इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम वन बाय वन अगले लेक्चर्स में
इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। एक एक करके इन सबको पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन और जो एंट्रेंस है उन सब में काम आए। ओके ओके जी, थैंक यू।